बुधवार की सुबह दिग्रस शहर के आर्नी नाका रोड पर स्थित रमाई नगर में मछली की जाल में फंसे एक बंदर को सुरक्षित रूप से छुड़ा गया। सूत्रों ने बताया कि श्रावण मास शुरू होने से इन दिनों रमाई नगर में रहने वाले मछुआरों का काम बंद है, इसलिए उनकी मछली पकड़ने की जाल उन्होंने घर की छत पर रख दी है। ऐसे में बुधवार को बंदरों की एक टोली ने रमाई नगर में धावा बोल दिया और परिसर के पेड़ों पर और घरों की छतों पर उधम मचाना शुरू किया। इस दौरान मछुआरों के घरों पर रखी जालियों से खेलते खेलते एक बंदर जाल में फंस गया। बाहर निकलने के लिए काफी देर तक वह छटपटाता रहा। इस दौरान छत पर जारी इस उधम को देखते हुए मकान मालिक और उसके पड़ोसियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने जाल में फंसे बंदर को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। इस दौरान बंदर को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में वन कर्मचारी रीता चौहान, देवराव धनकर आदि सहित इब्राहिम भाई, हारून भाई, राम शिकारे, विजय कामरे और संदीप बावने को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार बंदर को आजाद करने में उन्हें सफलता मिली। इन बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।